धनबाद का बघमारा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार बघमारा विधायक ढुल्लू महतो और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विवाद का मुख्य वजह एक महिला के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है। वैसे इस घटना के पीछे राजनीतिक और दूसरे कारण भी शामिल रहे हैं, लेकिन पहले विवाद का कारण समझिए। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा पर आरोप लगाया कि विजय झा इन दिनों इस क्षेत्र में अशांति फैलाने में जुटे हुए हैं और जानबूझकर उनके लोगों के द्वारा उन्हें भड़काकर उनके खिलाफ केस करवाई जा रही है। उनका इशारा सीधे तौर पर कुंती देवी उस महिला से जुड़ा हुआ है जिसका हाल ही में रामराज मंदिर परिसर में दुकान विवाद को लेकर विधायक और कुंती से झगड़ा हुआ था। कुंती देवी पर यह आरोप विधायक ने लगाया था कि उसने जूठा पानी जो है उनके ऊपर फेंक दिया था, जिसके वजह से उन्होंने विरोध किया और बदले में महिला ने गाली गलौज की। विधायक की ओर से भी गाली गलौज के वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस पूरे मामले में विधायक ढुल्लू महतो और उनके समर्थकों के साथ साथ विजय झा के खिलाफ दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराई गई है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया कि विजय झा इस पूरे साजिश में शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने विजय झा को आसपास के कोयला चोरी से जुड़े लोगों के साथ देने एवं अन्य भी गंभीर आरोप लगाए। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने विजय झा पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी द्वारा जो नर्सिंग होम मातृ सदन चलाया जा रहा है वो रेलवे और स्कूल के जमीन पर स्थित है। विधायक ढुल्लू महतो ने विजय झा पर आरोप लगाया था कि हाल ही में उन्होंने रामराज मंदिर बनाकर इस इलाके में धार्मिक वातावरण बनाने की कोशिश की थी, जिसे विजय झा तोड़ रहे हैं। पहले विधायक ढुल्लू महतो का क्या आरोप है विजय झा के विरुद्ध, उस आरोपों को सुनिए। अरियंत करके ग्रुप बनाकर डीएवी को एकदम तहस नहस तक कर दिया। हमें मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं। मैं जब विधायक बना लगातार मैं राजनीतिक किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्थान में मैंने घुसने देने का प्रयास नहीं किए। और डीएवी आज जाके देखिए, उसका पढ़ाई देखिए, उसका रंग रोगन देखिए, उसका पूरा रिप्रेपेरिंग देखिए, आज देख लीजिए जाके, सामने है आपके सामने। उनके घर के बगल में जो स्कूल का जमीन कब्जा किया, उसका जो आप कौन मातृ सदन है, कृष्णा मातृ सदन में स्कूल का जमीन का कब्जा किया है, रेलवे का जमीन में घर हॉस्पिटल चला रहा है। बात करता है ईमानदारी का, राजा हरिचंद्र का बात करता है। जो जमीन माफिया है, जमीन गुंडा है, जो जमीन को दलाली करके काम करता है, जमीन बेचकर कमाने का प्रयास किया, वैसे लोग मेरा विरोध कर रहा है। शेप उसका जमीन पर क्यों रहेगा? हाँ। तो फिर उसके दुकान के सामने टैंकर क्यों खड़ा है? टैंकर उसका बाप का जमीन है, खतियानी जमीन पर मेरा टैंकर खड़ा कर दिया है। मंदिर के सामने जूठा बिक देना, मंदिर में जूठा घुसा देना, कल भी जूठा पानी बिक दिया गाड़ी में, ये कहां का न्याय संगत है? जमीन डोनेट किया था ना मंदिर के लिए सर, एक इंच नहीं डोनेट किया, दिखावे। उन्होंने कहा कि आपका जहाँ पे दिखावे, अरे भैया पेपर तो है, जमीन डोनेट कर दिया, पेपर तो होगा ना भैया, एकदम प्रमाण है। उत्तम तस्वीर दिए आप लोगों को, तस्वीर दे दे क्या, तस्वीर आपके सामने है कि जी कल घटना वो आज तक नहीं हुआ था, इस तरह का घटना कल कैसे हो गया? उसके एक रात एक दिन पहले उसके पास बैठा, दूसरे दिन वहां जाके झमेला कर दिया। मगर आज जो समय जो परिस्थिति चल रहा है, कहीं कहीं दिखाना भी पड़ता है, इसे काले करने को दिखाने के लिए मैंने आज बागमारा विधानसभा क्षेत्र में राम राज मंदिर को जीर्णोद्धार करवा के अपने मतलब नेतृत्व में आज यहाँ पे एक हम कह सकते हैं प्रभु श्री राम जी की कृपा से एक बाघमारा को स्थापित मैंने पूरे राज्य में, पूरे दूसरे राज्य में भी मैंने करने का काम किया। रास्ता तो दो ही हो सकता ना, देखिए अधर्म के रास्ते पर चलकर अधर्म का साथ मत दीजिए, धर्म के रास्ते पर चलकर सच्चाई को साथ देने का काम कीजिए आप लोग। जहां पे भी आरोप लगा है मेरे पर, अगर हिम्मत है तो प्रमाण करे। सच और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। और आज आप लोगों ने देखे होंगे पूरे बाघमारा सहित पूरे धनबाद में गलत मानसिकता समाज या गरीब शोषित कमजोर पर रखने वाले व्यक्ति हो या समाज, वैसे लोगों ने लड़ने का काम किया। विधायक ढुल्लू महतो के आरोपों पर जवाब देते हुए बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने कहा कि विधायक ढुल्लू महतो जिस प्रकार के गंभीर आरोप उन पर लगा रहे हैं, इस पूरे मामले की वो सीबीआई से जांच करा ले। उन्होंने तो यहाँ तक विधायक को कहा कि विधायक का जो आरोप है उस आरोपों की पुष्टि के लिए दोनों के घरों के पास
सीसीटीवी लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि किसके पास आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग आते जाते हैं। विजय झा ने विधायक दुल्लू महतो के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारा जो घर है और उनके पत्नी के द्वारा चलाया जा रहा नर्सिंग होम वो रेलवे और दूसरे के जमीन पर स्थित है या स्कूल की जमीन पर स्थित है, उस आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने घर जो है वो बनाया नहीं है बल्कि एक बना बनाया घर खरीदा है जो विधायक के जन्म से पहले का है। विजय झा ने आरोप लगाया कि कोयला चोरी के खिलाफ वो लगातार मुखर रहे हैं, इसलिए विधायक दुल्लू महतो विचलित है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मामले को लेकर हाल ही में उन्होंने हाईकोर्ट में PIL दायर भी किया था और जांच कराने की बात कही थी। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि रामराज मंदिर बनाने से कोई राम नहीं हो जाता, बल्कि जो रावण जैसा व्यवहार उसके अंदर में भरा पड़ा है वो आज भी देखने को मिलता है। विजय झा ने कहा कि रामराज मंदिर बनाने मात्र से कोई राम नहीं हो जाता, बल्कि राम जैसा व्यवहार करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राम जैसा आचरण और व्यवहार अभी तक देखने को नहीं मिला और ऐसा रामराज की कल्पना उन्होंने कदापि नहीं की थी। जो वक्त आता है मैं खड़ा होता हूँ गरीबों के लिए, हमको उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसको न्यायालय ने बार बार आईना दिखाया है, उस व्यक्ति से क्या सर्टिफिकेट चाहिए? कतरास के किसी जनता को उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिस पर 45 मुकदमे हो और न्यायालय ने बार बार सजा, उसका सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या विजय झा को? उनको जानकारी नहीं है, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, ये वहाँ पर जमीन पर मेरा नर्सिंग होम है ही नहीं, ये बना बनाया मकान मैंने खरीदा, यहाँ के सबसे बड़े सीनियर लॉयर थे साहब दयाल सिंह, सबको पता है धनबाद के सबसे नामी सीनियर, उनके परिवार का वो मकान था, हमने मकान खरीदा है जमीन नहीं। जब यही पता नहीं है वशिष्ठ नारायण सिंह, चलिए इन्होंने नाम बोल दिया, जरूरत नहीं था, RCMS के बहुत बड़े नेता थे वो। यहाँ पर कोई FIR है क्या कोयला चोरी का? वे यहाँ पर कोई अपराध है क्या रंगदारी लेने का? किसी ने कहा क्या कि मैंने किसी से रंगदारी भी मांगा है? किसी ने कहा क्या मैं कट मनी भी लिया हूँ जीवन में कभी भी? वो हिम्मत है तो बोले, वो किसी विकास योजना में कमीशन नहीं लेते हैं, बोले यहाँ के ठेकेदारों से बयान लीजिए, यहाँ के ठेकेदार बता देंगे कि किसको कितना कमीशन लेता है। विधायक जी ने कहा कि हम रामराज लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग रावण बनकर वैसा रामराज नहीं चाहिए, वैसा रामराज नहीं चाहिए जैसा रामराज में कुंती देवी के साथ 22 तारीख को अत्याचार हुआ, वैसा रामराज नहीं चाहिए हिंदुस्तान को, चुटाही में तो चाहिए ही नहीं, जिस जहां महिला का अपमान हो, जहां महिला के साथ अभद्रता के साथ पेश आए, वैसा रामराज की कल्पना है क्या? वो राम वैसा राज चाहते थे क्या? अरे रामराज में तो सबरी के जूठे बैर राम ने खाए, और आप कहते हैं कि इसका जूठा बर्तन का पानी तो कुछ और दुकान का जूठा जाता है, जबकि वहां से दूरी है 500 मीटर। ये सर्वविदित है कि मैंने अभी इलीगल माइनिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसका नंबर है WPC 850/2022, फाइलिंग डेट 10/2/22। इसके पहले भी मैंने एक PIL किया था, इन पर एक केस हुआ था हथियार छीनने का और वर्दी फाड़ने का, कतरास PS 120/2013। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि सिटिंग MLA MP के सभी मुकदमों का निष्पादन एक वर्ष में किया जाए, लेकिन 2019 तक इनका केस का 2019 तक जबकि केस था 2013 का निष्पादन नहीं हुआ। तब मैंने फिर एक PIL किया था हाईकोर्ट में, 9 अक्टूबर 2019 को फैसला आ गया, जो 6 साल से फैसला नहीं आ रहा था, और उसमें 1.5 वर्ष की इनको सजा हुई 9 अक्टूबर 2019 को। ये है PIL नंबर है उसका 8624/2019। ये PIL मैंने 2019 में किया था और सितंबर में PIL किया और 9 अक्टूबर को न्यायालय में फैसला आ गया जिसमें 1.5 वर्ष की सजा होगी, ठीक चुनाव के पहले। तो यह खींच थी इनको कि इनके कारण, ये तो चाहते थे चुनाव तक लेके जाऊं खींच के उसके बाद फैसला आए, लेकिन ये 2 PIL के कारण इनकी खींच थी जिसके कारण अब कुछ भी यहाँ घटनाएं घट रही है तो वो कहते हैं इसके किंगपिन विजय झा है। विजय झा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराने की भी मांग की है। अब देखना है इन दोनों का विवाद कब तक थमता है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बघमारा विधायक दुल्लू महतो और BIADA के पूर्व अध्यक्ष के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसके कारण भले ही स्थानीय हैं, लेकिन यह मुद्दा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है।
जिसका जवाब स्थानीय पुलिस को ही ढूंढना होगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।